जब किसी दोस्त का आप काम देखते हो तो वैसे भी बहुत खुशी होती है, एंड आई थिंक जिस तरह से इस गाने को पिक्चराइज किया है इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस. समवेयर वो एक पेन जो है ऑफ अ लवर वो फील होता है, एंड आई थिंक हर किसी ने अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत हार्ट ब्रेक तो देखा ही है. सो इट्स अ वेरी रिलेटेबल सॉन्ग, एंड आई थिंक शालीन ही इज़ लुकिंग फैबुलस, एंड अमित मिश्रा'स वॉइस इज लव. सो या एंड ऑफ कोर्स इट्स आई एम हैप्पी टू बी हियर. ओके शालीन, लाइट भी चली गई. दीप्ति की केमिस्ट्री कैसी लगी दोनों? आई थिंक बहुत ही नेचुरल केमिस्ट्री है दीप्ति और शालीन की, एंड आई होप ये आगे भी देखने मिले. और बिकॉज यू नो जब गाना फिनिश हो जाता है यू फील लाइक शायद और देख सकते थे, सो आई थिंक दैट विल मेक अ दिल मेक अ ग्रेट ऑन स्क्रीन कपल. इस सॉन्ग को सुनकर क्या कुछ दिल में आया? मेरे पर्सनली मैं ज़्यादा रिलेट नहीं करती हूँ पेन से, बिकॉज मैंने लाइफ में बहुत कॉन्शियसली पेन को इरेडिकेट करने की कोशिश की, उसे हटा दिया अपनी लाइफ से. बट मैंने स्पेशली आई थिंक लड़के ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, लड़के ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं स्पेशली व्हेन कम्स टू रिजेक्शन. आई फील ये कोई जेंडर बायस नहीं है बट लड़कियाँ थोड़ी इमोशनली शायद स्ट्रांग होती हैं, तो मैं इतना रिलेट नहीं कर पाती. बट समवेयर कहीं ना कहीं वो फीलिंग ज़रूर आती है आप में कि ओह यू नो वैसा. ओके, सो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और क्या कुछ आने वाला है? अभी फिलहाल जो भी है उसके बारे में बात करना थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो आई एम गोइंग टू. ओके, अभी बिग बॉस सब जगह छाया हुआ है, सबको पसंद आ रहा है, आप कितना फॉलो करते हैं? ओह माय गॉड, तो अगर मैं सच कहूँ तो मेरे सीज़न के बाद, एक्चुअली मैंने मेरा सीज़न भी नहीं देखा, पहली बार मुझे बिग बॉस देखने का मन किया है. इतने एंटरटेनिंग लोग हैं इस बार घर के अंदर, इट्स इनसेन. मतलब मेरी फैमिली देख रही थी एंड मैं हमेशा अवॉइड करती थी, बट एक दो सीन देखकर ही मेरा इतना इंटरेस्ट बन गया कि मैं रेगुलरली फॉलो करने लगी. एंड मैंने एक्चुअली टाटा स्काई में कलर्स को सब्सक्राइब किया, जो कि कभी मेरे घर पे था नहीं इधर बॉम्बे में. सो या लाइक इतना ज़्यादा मैं फॉलो कर रही हूँ अभी. सो आपके कौन से फ्रेंड उस घर में? फ्रेंड्स तो कोई भी नहीं है एज सच, बट मैं जानती बहुत लोगों को हूँ, बट देर अक्वेंटेंसेज यू नो सेम इंडस्ट्री. सो अगर आप मुझे पूछोगे कि मैं किसी सपोर्ट कर रही हूँ, तो मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, बट मैं शहनाज को बहुत इन्जॉय कर रही हूँ देखना. आई थिंक वो बहुत ही फन एंड इंटरेस्टिंग पर्सन है, तो वो देखने में मज़ा आ रहा है. एंड या ओके, सो सबसे ज़्यादा गेम किसका पसंद आ रहा है? गेम आई थिंक सिद्धार्थ का पसंद आ रहा है मुझे. आई थिंक वो बहुत जेन्यूनली भी खेल रहे हैं और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि वो खेल रहे हैं, बट आई थिंक हिज गेम, आई थिंक वो ऐसे ही हैं जितना भी मतलब मैंने सुना है और देखा है, बट आई थिंक ही इज़ कमिंग अक्रॉस एज द स्मार्टेस्ट इन द हाउस. रश्मि, सिद्धार्थ एंड आसिम और शहनाज के बीच में लिटिल दोनों शायद. विनर हु आई वांट, ऐसा कोई नहीं कि मैं चाहती हूँ कि आई वांट समबडी टू विन, बट आई थिंक सिद्धार्थ इज गोइंग टू विन. ओके, एंड लास्टली आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे या फिर? मैं अपने फैंस से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, आई नो आप लोग मेरे को सोशल मीडिया पे काफ़ी फॉलो कर रहे हो एंड आप वेट करते रहते हो कि मैं बहुत जल्दी आपकी स्क्रीन पे आऊँ, वो बहुत जल्दी होने वाला है. सो जस्ट हैव अ लिटिल मोर पेशेंस, दिस इज द लास्ट बिट. थैंक यू. रोलिंग. हाँ, सो सर आपने सॉन्ग देखा, तुझको भुला ना पाया, कितना पसंद आया आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे सॉन्ग के बारे में? अरे इतना कहूँगा कि ये सॉन्ग देखने के बाद ये गाना कोई नहीं भुला पाएगा. आई थिंक इट्स फैबुलसली शॉट, द मूड ऑफ द सॉन्ग इज सच, एंड लोकेशन तो आप देख ही रहे हैं, आई थिंक इट्स अमेजिंग. माय ब्रदर शालीन और क्या, हाय दाढ़ी बिना पहचाना नहीं ना, यही है गाने में नहीं, बट आई थिंक इट्स अमेजिंग. आई थिंक शालीन गॉट अ फैंटास्टिक स्क्रीन प्रेजेंस. थैंक यू भाई. शालीन आपके फ्रेंड्स सारे यहाँ पे जो आपको सपोर्ट करने आए, कितना प्राउड फील होता है खुद पे कि इतने अच्छे फ्रेंड्स बनाए आपने? भाई फ्रेंड्स आते हैं डाल दे मेरे भाई, फ्रेंड्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब भाई साथ में खड़े होते हैं ना तो और भी अच्छा लगता है. तो भाई खड़े हैं और यहाँ पे सिर्फ भाई हैं, तो आई थिंक सारे भाई हैं, परिवार जो है वो परिवार सब इकट्ठा होता है, और जैसे हम घर पे सब लोग टीवी देखते हैं ये बस वही चीज है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. करण किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप दोनों, थोड़ा सा उस बारे में बताइए हमारे. आई थिंक शालीन को मैं दोस्त नहीं कहूंगा, आई थिंक इज फैमिली, वी हैव नोन ईच अदर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, एंड सिर्फ मेरी नहीं, आई थिंक ही इज फर्स्ट अंकिता फ्रेंड एंड देन माइन, सो आई थिंक ही इज फैमिली. अब बीवी की तरफ से कोई अगर दोस्त है तो भाई उसको तो फैमिली मानना ही पड़ेगा आदमी को ना, ऑप्शन नहीं है, ऐसा होता है. खतरों के खिलाड़ी का 10वां सीजन आने वाला है, इतने एक्साइटेड है, बहुत डराया इस बार हमने सुना है ऐसा. अरे डराया बहुत बहुत डरा है, बहुत था, इतना डरा था कि मैं तो कितनी बार तो मतलब, बट आई थिंक ये सीज़न बहुत एक्साइटिंग होगा एंड मैं खुद वेट कर रहा हूँ टेलीकास्ट शुरू होने के. आई थिंक प्रोमोस आप लोग देख ही रहे हैं, एंड प्रोमोस में कितनी फटी पड़ी वो भी देख रहे हैं आप.
प्रोमो में देखा नहीं, मैंने कहा कि सर मर जाऊंगा, डर जाऊंगा सर. लेकिन एक्सपीरियंस आई थिंक खतरों के खिलाड़ी इज़ वन ऑफ इट्स एक्सपीरियंस. आई थिंक हर किसी को अगर मौका मिले तो ये करना चाहिए. बिकॉज बाय द वे आपको शायद पता नहीं पर ये भी आए थे कुछ, मुझे इन्होंने उठा के लेकर गए थे सरप्राइज के लिए खतरों के खिलाड़ी. मैं आपको बताना चाहूंगा छोटी छोटी सरप्राइज जो आगे आपको मिलेंगे. करण का इतना होल्ड है कि एक दिन मैं पूना में था अपनी फैमिली के साथ में, और उसने मुझे फ़ोन किया. मुझे पता था ये बल्गेरिया में, क्योंकि वहाँ खतरों के खिलाड़ी की शूट हो रही थी. और उसने बोला तू कहाँ है? महिला मैं पूना में हूँ. अच्छा तो तू सन कल की फ्लाइट ले और बल्गेरिया आ जा. महिला नागपुर नहीं आना है मुझे, बल्गेरिया है, मेरे पास वीज़ा भी नहीं है. वो मैं करवा देता हूँ, वो तो टेंशन नहीं है. वो अब जब आपके सर पे कलश का हाथ में क्या टेंशन है, तो करा दिया उन्होंने. और मैं वहाँ पहुँचा हूँ एंड भाई ने इतना कमाल का काम किया करण ने. आई थिंक केपी हैज डन सच एन अमेजिंग जॉब एंड हैट्स ऑफ. इसको पहले देखा मैंने करते हुए तो मैंने टास्क में थोड़ा सा अच्छा शायद कर लिया, पता नहीं. बट काफी सारे डर मिट गए उस पे. हाँ मतलब बहुत सारे डर से ओवरकम किया करण ने. यस सर आई थिंक जीता है वो जीता है और वो जीतता है. नहीं बट कमिंग बैक टू दैट, खतरों के खिलाड़ी तो बहुत बाद में टेलीकास्ट होगा, बट पहले जो टेलीकास्ट हो चुका है पहले हम उसकी बात करें. आई थिंक वी आर हियर फॉर दिस एंड लेट्स नॉट टेक इट अवे फ्रॉम ये. एंड ये गाना सुनने के बाद आप नहीं भुला पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको गाना सुनना जरूरी है. सो प्लीज़ वॉच द सॉन्ग, लाइक इट एंड स्प्रेड इट. यस थैंक यू सो मच. भुला ना पाएंगे क्या कहना चाहेंगे, शालीन भानोज जो है पहली बार म्यूजिक वीडियो में दिखाई देने वाले, आप दोनों कितने एक्साइटेड है ये गाना देखने के लिए? और क्या आप लोगों ने देखा है गाना? नहीं अभी तक देखा नहीं है. और शालीन ने टीजर भेजा था, टीजर बहुत अच्छा लगा. बाकी अब जो उसकी स्क्रीनिंग रखी है उसने तो वही जाके देखेंगे. शालीन के साथ काम कर चुके हैं हम दोनों सूर्यपुत्रकर्ण. मैंने सूर्यपुत्रकर्ण किया, तुम तो आई थिंक पहले भी कर चुके हो. राइट सो इज़ अ नाइस गाय, इज़ अ फन गाय, हमेशा मजाक करते रहते हैं. सो एंड इट्स अ गुड थिंग फॉर हिम, लाइक वी कॉन्ग्रेचुलेट हिम कि उनका म्यूजिक वीडियो आ रहा है पहला तुझको भुलाना पाया. एंड जो टीज़र उन्होंने भेजा वो काफ़ी अच्छा लगा. अभी म्यूजिक वीडियो हम पूरा देखेंगे अंदर जब स्क्रीनिंग स्टार्ट होगा. बट ऑल द बेस्ट टू हिम. आई एम श्योर शालीन ने बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए जो मतलब उनको हर बार सपोर्ट करने आते हैं. थोड़ा सा बताइए कि किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप लोग शालीन के साथ? यार शालीन को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, मतलब 2-3 प्रोजेक्ट साथ में कर चुका है मेरे. और काफ़ी अच्छी फिर से बॉन्डिंग हम सबकी हो गई थी सूर्यपुत्रकर्ण में, क्योंकि हम लोग वहीं पर रहते थे, उमरगाँव में रहते थे. तो वहीं पर जिमिंग होता था, वहीं पर दोस्ती हुई, वहीं मतलब फिर से मतलब मिले. और उसके बाद एज इन इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी विद हिम. अच्छा है, छोटे भाई जैसा है, सो अच्छा लगता है. इस साल के बिग बॉस को कितना फॉलो कर रहे हैं आप लोग? यार अभी अभी के टाइम से रिसेंटली हमने थोड़ा देखना शुरू किया है, मतलब एंड एंड का थोड़ा देखना शुरू किया. कुछ काफी हुकिंग है तो, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा हम डिटैच करें कि ऐसा ना हो कि हम पे भी असर पड़ने लगे. क्या कुछ पसंद आ रहा है बिग बॉस? यार सारे अच्छे लग रहे हैं, मतलब एंटायरली जितना लोग कह रहे थे हमने देखा नहीं, वी ओनली वॉच द लास्ट 1 week आई थिंक. तो उसके हिसाब से काफ़ी हुकिंग है, काफ़ी एंगेजिंग है सारे लोग. आई लाइक शहनाज पर्सनली, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो. बाकी तुम्हें कौन पसंद है? नहीं यार मैं सिद्धार्थ के साथ काम कर चुका हूँ तो सिद्धार्थ को जानता हूँ पर्सनली, तो सभी अच्छे हैं यार, कोई वैसा कुछ नहीं है. मगर जिसको आप जानते हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं. तो सिद्धार्थ को पूछते, आरती को जानता हूँ, सिद्धार्थ को जानता हूँ, दोनों के साथ काम कर चुका हूँ. तो ये दोनों अच्छे हैं, सही. सिद्धार्थ का एंग्री साइड बहुत बाहर आया है शो में, अगर उस बारे में कुछ बताएं, रियल लाइफ में क्या वो इतने ज़्यादा नहीं वैसा नहीं है जितना मैं जानता हूँ उसको, मतलब कि जितना मैंने काम किया उसके साथ वैसा तो मैंने देखा नहीं उसको. अब वही होता है ना, वो सिचुएशन में रह के कौन कितना टेम्पर लूज़ करता है और कितना कंट्रोल करता है, इट्स ऑल अबाउट दैट. और वो गेम ही वैसा है आपका, सिवाय चिल्लाने और लड़ाई करने के करते क्या हैं, कोई कुछ नहीं करता. तो अब काम ही वही है, आप जितना लड़ोगे उतना दिखोगे. तो लड़ रहे हैं सब खुशी खुशी. टॉप 3 आपके हिसाब से कौन होगा? यार पता नहीं कौन होगा. मैं तो बोल दिया, मैं तो मुझे शहनाज अच्छी लगती है. मैं सिद्धार्थ जीत जाए यार, उसको जानता हूँ. ओके थैंक यू सो मच. ओके गाने में केमिस्ट्री कैसी होने वाली है, थोड़ा सा गाने के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए. और कैसा एक्सपीरियंस रहा गाना करने का आप दोनों? नहीं तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. ये मेरा फर्स्ट म्यूजिक वीडियो है एंड आई थिंक द गाना इज़ ऑल्सो रियली रियली ब्यूटिफुल. एंड ऑफकोर्स इसमें केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. और आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड एंड लकी ऑल्सो दैट आई गॉट समवन लाइक शालीन टू बी ऑपोजिट मी, बिकॉज आई थिंक ही इज़ अ वेरी गिव एंड टेक वाला एक्टर. सो इवन दो इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई एवर मेट हिम इन माई लाइफ, जो हमने पहला सीन किया है
itself had like too much chemistry to show, but it just happened very effortlessly. So I'm so happy I got someone like him. Check ka hai inka. Nah. She is. I think I'm really blessed to have her. To be very honest, she is an amazing actor. She is an amazing performer, and she's extremely professional, extremely giving as an actor. So, which is amazing, and I think the whole credit of the entire album, how it has turned up, goes to everyone, including her. Yeah. And she's done amazing. The direction team is amazing. Yes. MCM, who's the producer, they are amazing producers, and they have done a brilliant job. हम जो भी काम करते हैं, हम एक हिस्सा होते हैं, एक छोटा सा हिस्सा होते हैं. गाना होता है, कोई गाता है, कोई बनाता है उसको, कोई शूट करता है, कोई उसको, जैसे आप सब कैमरा मैन हैं वैसे ही कैमरा एक हैंडल करता है. तो हम उसके एक छोटे सा हिस्सा होते हैं. हम चाहते हैं कि हम कोशिश करते हैं एज एन एक्टर्स कि उसको हम अच्छी तरह से कर पाएँ. और जो जो प्रोड्यूसर हम पे एक विश्वास रखता है, हम उसको जस्टिफाई कर पाएँ. आई थिंक दैट इज़ आर टास्क, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव डन. इट हैज़ कम आउट वेल. अगले 15 मिनट में आप सब देखेंगे, और मैं चाहता हूँ कि ये इंटरव्यूज जब हम कर रहे हैं ना, तो ये सब बहुत अच्छी बात है. लेकिन पहले देखो गाना, तो आपको पता चलेगा, और फिर सवाल भी और बहुत सारे निकलेंगे. क्या बोलते हो आप लोग? है ना, आ जाओ सब लोग अंदर. चलो चलो. I didn't tell me that, but anyways, मैं विश्वास भी नहीं करती, you know that. Yes, absolutely. So, वैसे मैं विश्वास भी नहीं करती, मुझे ये कहता तो आप प्रोड्यूसर है, you know. So, but hearty congratulations on this very, very magnificent unveiling of the production. That is MCM production. So, if you're looking forward to doing your unveiling of the song, so please, you have MCM Productions with you. Before we go and ask him questions, we're going to definitely invite the cast, and the most beautiful are the lyrics, of course, the singer, but Amit is not here with us. Maybe please have Meet God here with us, the writer and the music composer given to us by Meet God. Hi, Meet. Aapse milkar bahut bahut khushi hui. Thank you so much, and bahut bahut badhai ho. Thank you so much. So, should we first speak to them, or should we also call the crew here? I think we should have Dipti. I know, y'all are like not separate, absolutely not separate. मतलब इतना attachment है यार इनका. Please आ जाओ, come on दोस्तों, let's please put our hands together for the rock stars who look absolutely terrific. You're looking like an angel. How pretty and how beautiful. Well दोस्तों, it'll be absolutely unfair if I don't read out and call them out. So we have with us the very, very gorgeous Dipti Sathi. Can we please put our hands together for Dipti Sathi? And Shalin Bano, the handsome hunk, is here. And thank you for the beautiful compliment. You're looking absolutely lovely. You're looking lovely in pink because of the Valentine's. You know, it's suiting you all the more. And antagonist, aap hain. Aapne goli chalai thi. Aap hi hain wo. Yeah, but he's handsome too. Ladies and gentlemen, let's put hands together for Chetan T. I only know that. And have the press conference during the season of love. So chalte hain humare handsome hunk ke paas, Malcolm. से पूछना चाहूंगी मेलकॉन कैप्टन से. सो प्लीज टेल मी मोर अबाउट हाउ डिड यू थिंक अबाउट एमसीएम प्रोडक्शंस बिफोर थिंकिंग अबाउट द सॉन्ग. यू नो यू वांटेड टू अनवील द प्रोडक्शन हाउस दैट यू कम अप विद एमसीएम. तो प्लीज हमें इसके बारे में कुछ बताइए. बेसिकली एमसीएम इज मेलकॉन कैप्टन म्यूजिक, सो क्वाइट नार्सिसिस्टिक एट दैट. एंड सो वी हैड मीत ओवर हियर, वेरी टैलेंटेड गाय, ही पेन डाउन अ फ्यू लिरिक्स फॉर अस. The moment we heard those lyrics, we knew it had a lot of potential. And then, as they say, the story went on. Then we narrated the story, and then we got Mr. Vinayak on board. Whoa. The hopeless romantic, he heard those tracks, and he went on and said, we should do it this way. And then at the end of it, then we had him, and then we had her. And together, the whole team made magic together. Wow, that's so that's good. It. You all, by the way, look magical, and thank you so much. I mean, producer ne khud kaha ki niche baithne mein maza aata. Actually, Shalin ne kaha tha, but he agreed with him, and thank you so much. I mean, वैसे seriously, that's the most comfortable place, by the way. All right, चलते हैं हमारे hero के पास. All right, well, दोस्तों, Shalin ने बहुत ही पहले Dipti से पूछे. आप हमेशा झगड़ा करते थे उधर भी, shooting के time भी बर्फ में झगड़ा करते थे, प्यार करते थे. Tell us that. सर क्या करें? स्क्रीन बंद करा. वेयर आर वी हिट 833 8 मिलियन 8 8 लाख 33
Yeah, we're almost hitting 1 million. Yeah, we're almost hitting 1 million. That's fantastic. Fantastic. Bro. This is day one. Ye hai MCM ka kamal. So if you're looking forward to your music launch, you know who to catch hold of. That's Malcolm Captain Music. I'm never going to forget this name. Beautiful name. Chota karo. What, in 4 hours? 3 hours? 3-4 hours. Yeah. First one to brief me. Okay, so dosto, I must confess this. I was basically here to pick up my designer outfit for Filmfare because I'm doing the Filmfare this Saturday, and they just told me, and you were the first one to help me, so I want you here with us. And you wanted to congratulate him. That's because Malcolm was in there. That's the reason. That's a big person. So please congratulate them. Malcolm is the light. And what a magnetic name, you know, Malcolm. He's Malcolm Captain Music Productions, Grand Unveiling. Okay, so Dipti, yes, please tell us about something about the 2-day shoot. So the shoot was in Mussoorie. So it was -5, -3. The hottest temperature we had during those 3 days was like 1 degree. Yeah, so it was like really cold. But we enjoyed the weather. All of us had amazing fun. I mean, we all connected, and I think the vibe just matched, and I think that's why it just shows on the video. Yeah, we wrapped up a 4-day shoot in 2 days. But I have to say this, that I'm so happy that he was there during the shoot, and, you know, he was paired opposite me because he was just so helpful. Like, you know, because it was really tough conditions to shoot in, and at times there were like these, you know, shots. What are those shots? Drone shots. And then just me and Charlene had to be there, and there was no crew, no hair, no makeup. So he was just really, really very nice. So I think it's because of him, the chemistry just showed, and I think we're really cool, good buddies now, so it's awesome. Charlene, itni tarif, and she's saying, you were there, but you have to be there, no? Are you so helpful? He's featuring, but he has to be there. He's cast with you. Itni tarif, Charlene, is it because of your dimples? Ki aur bhi koi ada hai, yaar? Thandi mein achi-achi feelings dene ki kya baat hai? Well, वैसे हम सब अच्छे-अच्छे feel करते हैं because we really get to experience the chill weather. And for this time, for the very first time, we all, the entire country, experience chill weather. I'm going to ask Malcolm, ki kya sab aapke paise baja rahe the ki 4 din ki shoot 2 din mein wrap-up kar li? Kya baat hai, yaar? Maverick talent all through the set. Okay. Completely. So it spreads. This whole team over here has made magic and very cooperative. And yeah, as she said, it was -5, -3. And her wedding dress, high slits, nets all over, no gloves. And I remember one call when I had spoken to the stylist and said, at least humanitarian grounds, get her gloves. And they were like, no, it's okay, she can do it. And yeah, I mean, I was really cold looking at her, and it was like that. And this guy rolling around in snow and just didn't care. And very naturally, very, very naturally. So yeah, so it wasn't about saving money over here. It was more about just having the right team at the right place and executing things perfectly. That's all. It is so impressive. Right? Yeah. You can just flow it. Hey, iske liye aur achha hua. Bolan gaana chahunga. मैं खो गया हूँ कहीं हूँ एक बार जरा कर दे मुझे रिहा तेरी यादों ने मुझे want you all to shake a leg once again on the last two lines, both of you. Come on, the press is here. Wo nachenge aapko gana gana, please. Come on, in the center.
अभी बाय द वे ठंडी नहीं है, सो वी वांट टू सी द केमिस्ट्री, कम ऑन, लेट्स एंजॉय. सर सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले गाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, कितनी मेहनत लगी है और क्या प्रिपरेशन थी ये स्टारकास्ट को साथ में लाने के लिए, क्या क्या करना पड़ा, थोड़ा सा उस बारे में बताइए. मेहनत तो इसमें क्वाइट ऑनेस्टली काफ़ी कुछ गया हुआ है, वी वॉन्ट कट दैट शॉर्ट, बट या ऐसे सिचुएशन भी आया था कि कुछ टाइम में कम ऑलमोस्ट ऐसा सिचुएशन था कि एक वक्त ऐसा था कि हम लोग को शायद शूटिंग कैंसिल भी करना पड़े, बट टीम का डेडिकेशन था, परसिवियरेंस था, उन्होंने कहा जो भी है वे डूइंग इट. हमने भी डिसाइड किया था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँचे थे हम लोग, वेयर वी सेड अभी सब लोग हैं, लेट्स गो अहेड. सो या वेदर कंडीशंस ख़राब थे, सब कुछ ख़राब था, बट देन मिसूरी इज़ मिसूरी एंड इट लुक ब्यूटिफुल एज इट इज़, एंड सपोर्टिंग वॉज फैंटास्टिक, दीप्ति डिड अ वंडरफुल जॉब, शालिन वॉज वेरी सपोर्टिव, कोऑपरेट बहुत किया उन्होंने, नो स्टारी टैंटम्स फ्रॉम ईदर ऑफ देम, और एक्चुअली दैट इज़ व्हाट मेड द प्रोजेक्ट मच सिंपलर टू एग्जीक्यूट. पता नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसे लग रहा था कि हर बार जब मेरा राइट बिफोर द टेक मैं जैकेट भी अंदर होती थी, व्हेन द टेक वाज ऑन मुझे निकालना पड़ता था, मैं बस ये सोचती थी कि यार इतना सुंदर है, अगर मैंने गलत कर दिया ना तो बहुत गंदा दिखेगा, तो मैं अपना विल पावर एकदम स्ट्रांग कर लेती थी. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई लव ठंडा वेदर, बट -5 वॉज अ लिटिल टू मच टू वेयर, बट एज आई सेड कि शालीन सर काफ़ी सपोर्टिव थे, ही हैड अ लॉट ऑफ लेयर्स, तो जब भी हम शॉर्ट में भी थे ही वॉज हेल्पिंग मी आउट सम हेयर, बट आई एम टेलिंग यू द एंटायर क्रू वॉज वेरी गुड. मैलकम सर एक्चुअली सेट पे होते थे, मतलब सेट पे मतलब जहाँ पे भी हम जाते थे, वेदर इट वॉज अ हाई ऑल्टीट्यूड लो ऑल्टीट्यूड, ही वॉज ऑलवेज देयर, दैट्स रियली रेयर. एंड ही हिज वाइफ हिज किड ऑल्सो हैड कम, सो आई थिंक वी ऑल एन्जॉयड एंड आई फेल्ट लाइक इट वॉज अ मिनी वेकेशन, इट वॉज अ वेकेशन, इट वॉज अ वेकेशन, लाइक अ हॉलिडे, फैमिली हॉलिडे. या बहुत कम होता है कि प्रोड्यूसर जो है ऑन सेट जाता है, उसके पीछे क्या आइडिया था कि मतलब ज्यादा बजट ना लगे इसके लिए या फिर एक्टर्स को कंफर्टेबल करवाने के लिए? वेल टू बी ऑनेस्ट, एक्टर्स को तो हम लोग ने ऑलरेडी कंफर्टेबल, they were comfortable, and we saw to that as far as possible from our side. Budget was never really a speculative factor hamare liye, it was always the outcome. Yeah, it was basically results were important, and main normally by habit ek meticulous insaan ho, so I pay attention to detail, aur mujhe aisa kuch nahi chahiye tha ke where we slip up on some detail, aur ye basically narrative story hai, so it's a 6-minute song, और देखने के बाद में मालूम भी नहीं पड़ता कि 6 मिनट गुजर गए कैसे. सो फॉर दैट रीजन वी वांट टू कीप द स्टोरी टाइट, वी वांट टू कीप द विजन्स टाइट, द विजुअल्स हैड टू बी इन प्लेस, एंड विदाउट द क्रिएटिव, विदाउट द डायरेक्टर्स कोऑपरेशन, विदाउट द टीम, दैट वाज नॉट पॉसिबल. सो या वी वर देयर, आई वाज देयर, एंड व्हाई नॉट, आई मीन हु वुड मिस दीज ब्यूटिफुल विजुअल्स, सिंपल एज दैट. लास्टली कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो हमारी ऑडियंस आप लोगों को देख रहे हैं, क्यों देखना चाहिए उनको ये गाना, क्या यूएसपी होगी गाने की? Well, tujhko na bhula paya, there's a lot of emotion in it, a lot of feeling in it, there's a lot of pain in it, whichever way you'd want to render the track, hear it, go ahead, feel the track, close your eyes and enjoy the track.